हरिः ॐ हरिः ॐ हरिः ॐ गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुसाक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वंदे भगवन्तौ पुनः पुनः ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवत् व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः गोविंदाय नमो नमः हरिः ओम नारायण 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 उद्धव जी का प्रश्न था कि दर्शन शास्त्रों में तत्वों की संख्या कोई कितनी बताता है कोई कितनी बताता है तो इनका रहस्य आप बताइए कि अलग अलग क्यों बताते हैं। तो मूलतः सांख्य को ही प्रधान मान करके भगवान ने यहाँ बात बोली है। बोले सांख्य दर्शन के अनुसार 25 तत्व माने जाते हैं। तो महाभूतान्य अहंकारो बुद्धि अव्यक्त में बचो और इंद्रियाणि दशैकम च पंच चेन्द्रिय गोचरा 24 तत्व तो यही हो गए और 25वां पुरुष है। बोले बात तो सिर्फ इतनी है और इसमें भी पंचभूत जो हैं पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश पंचभूतों को तो तत्व सभी मानते हैं चाहे कितने भी कोई बतावे। कोई 5 बता देगा तो 5ों भूत आ जाते हैं और 3 बता देगा तो 3 त्रिवितकरण में आकाश और वायु को छोड़ करके बाकी के 3 ले लेते हैं। तो एक तत्व है अद्वैत वेदांत में, 2 तत्व हैं इसमें सांख्य में समझ लो पुरुष और प्रकृति, और 3 तत्व हैं पुरुष प्रकृति और जीव ये न्याय दर्शन में है। अब ये 1, 2, 3 इन्हीं के विविध रूप हो जाते हैं। प्रकृति के 3 गुण हैं तो 3 गुण जब आपस में विभक्त होते हैं तो उनके बहुत सारे स्वरूप बन जाते हैं। कोई 4 मानते हैं तो 1 तो पंचभूतों में से लिए हैं सबने और 1 परमात्मा बोलो या आत्मा बोलो 1 वो ले लिया है, इसी से गिनती का फर्क हो जाता है। तो जैसे सांख्य ने 25 माने तो योग दर्शन ने कहा भाई एक ईश्वर को और मान लो 26 हो जाएंगे, क्योंकि बिना ईश्वर के किसी को ज्ञान हो नहीं सकता है। चलो जी 26 मान लेते हैं। तो कहते हैं कि तत्वज्ञानी के लिए संख्या में कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई कितनी भी संख्या बतावे। अब मैंने कल शायद पिछले दफ़े ये बात बताई थी कि साइंस में 107 तत्व माने जाते हैं, 107 तो 108 मान लो तो 108 की गिनती भी जो है वो अपने हिसाब से ठीक बैठ जाती है।
कैसे कि पांच तो भूत हो गए और तीन प्रकृति के गुण हो गए, पांच और तीन आठ हो गए, और एक एक के नहीं और एक पुरुष हो गया, नौ हो गए, और नौ में एक एक के बारह बारह विभाग हैं, तो बारह नंबर 108 हो जाते हैं। तो वहाँ जो साइंस में 108 बताए वो सब विभक्त करके बताए हैं, वैसे मूलतः तो वही है बारह नंबर 108। तो कहते हैं कि गिनती में कोई तात्पर्य नहीं है, गिनती तो कम किस कभी कार्य को कारण में लीन कर देते हैं, कभी कारण को कार्य में विस्तार कर देते हैं तो गिनती बढ़ जाती है, लीन कर देते हैं तो कम हो जाती है। जो लोग सात मानते हैं उनमें पांच भूत हो गए, छठा जीव हो गया, सातवां परमात्मा हो गया। जो छह मानते हैं उनमें पांच भूत हो गए, छठा परमात्मा हो गया। जो चार मानते हैं उनमें तेज जल और पृथ्वी तीन तो भूत हो गए और एक परमात्मा हो गया। कोई सत्रह मानते हैं, इस प्रकार से ये संख्या में घटोत्री बढ़ोतरी होती रहती है। इसके अंत में भगवान कहते हैं इति नाना प्रसंख्यानम तत्वान तत्वानाम ऋषिभिः कृतम सर्वं न्यायम युक्तिम युक्तिमत्वात् विदुषाम किम अशोभनम। ये याद रखते रहे, जो विद्वान है उनके लिए क्या अशोभनीय है, वो जितनी संख्या का उतनी घटा देंगे। सामने वाले की समझ समझाने के लिए सब न्यायोचित है। अब ये तो संख्या की बात हो गई, इसमें ज़्यादा विस्तार में जाने की इसलिए ज़रूरत नहीं है कि अगला जो प्रकरण है इसमें तीन हिस्सों में इस अध्याय को डिवाइड किया है। तो ये हिस्सा पहला जो है ये तो संख्या से ही मतलब है, दूसरा और तीसरा जो है ये इसमें मुख्य है। वो क्या है कि पुरुष प्रकृति विवेक जो है। उद्धव जी का प्रश्न है, प्रकृति ही पुरुषश्चोभौ यद्यपि आत्मविलक्षणौ अन्योन्याप अपाश्रयात् कृष्ण दृश्यते नभिदातयो। प्रकृति ही पुरुषश्चोभौ, प्रकृति और पुरुष दोनों, तो मोटे शब्दों में ये प्रकृति और पुरुष समष्टि में समझने के लिए है, और आत्मा और शरीर ये व्यष्टि में समझने के लिए है। जो स्थान एक शरीर में शरीर और आत्मा का है वही स्थान संपूर्ण सृष्टि में प्रकृति और पुरुष का है। तो प्रकृति मूल कारण है और पुरुष जो है वो साक्षी के रूप में अधिष्ठान, तो वो मानते नहीं है सांख्य वाले, वेदांत वाले जो है साक्षी भी मानते हैं और अधिष्ठान भी मानते हैं, तो इसलिए पुरुष में वो दोनों शामिल हो जाते हैं। तो ये पूछ रहे हैं कि यद्यपि आत्मविलक्षण हो, एक दूसरे से विलक्षण है, पुरुष प्रकृति नहीं है और पुरुष प्रकृति पुरुष नहीं है, अन्योन्य अपाश्रयात् और एक दूसरे से अलग भी नहीं है, मिले जुले से ही रहते हैं, लेकिन दृश्यते न भेदातयो, लेकिन देखने में तो अलग अलग आते नहीं हैं, सब एकम एक दिखाई पड़ता। जो लोग कहते भी हैं, जो लोग से मतलब अज्ञानी से ही समझना चाहिए, कि जो लोग कहते भी हैं कि मैं शरीर नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ, शरीर से अलग मैं आत्मा हूँ, वो उनका अलगाव भी दिखता नहीं है किसी को, क्योंकि व्यवहार तो सारा शरीर से होता है
और व्यवहार करने वाले को ही पुरुष बोलते हैं। इसलिए पुरुष और इस शरीर का आपस में अन्योन्या भाव दिखलाई पड़ता है। तो कृपया ये बताइए कि इनकी अलगाव कैसे हो। श्री भगवान उवाच, ये दूसरा प्रश्न है। तो ये मुख्य प्रश्न है असल में। प्रकृति ही पुरुषश्चेति विकल्पः पुरुषर्षभौ एष वैकारिकः सर्गो गुणव्यतिकरात्मकः। प्रकृति और पुरुष, ये जो भेद है, ये असल में दो चीज है नहीं, लेकिन फिर भी शास्त्रकारों ने इसको वैकारिक सृष्टि बताया है। वैकारिक माने, एक तो विकारात्मक को वैकारिक बोलते हैं, माने प्रकृति का ये विकार है। कुछ कहते हैं ये प्रकृति का कार्य है। कार्य और विकार में अंतर इतना है कि कार्य जो होता है वो कारण कार्य में बदलता है, लेकिन एक नियम के अनुसार बदलता है। और विकृति जो होती है, विकार जो होता है, वो काल पा करके अपने आप हो जाता है और उसका कोई नियम नहीं है कि किस प्रकार की विकृति होगी। और भागवत में वैकारिक शब्द जो है ये पारिभाषिक है, ये सात्विक के लिए वैकारिक शब्द का प्रयोग किया गया है। जैसे सात्विक, राजस, तामस, ऐसे तीन बोलते हैं ना, तो वो सात्विक की जगह वैकारिक बोलते हैं। तो एष वैकारिक सर्गो, ये वैकारिक सर्ग है गुणव्यतिकरात्मक, और ये गुणों में क्षोभ होने के कारण ये शरीर बनता है। पुरुष और शरीर का जो भेद बनता है, ये गुणों के क्षोभ, गुण माने सत्व रज तम के क्षोभ से बनता है। ये पिछले टर्न पर ये बात आई थी कि ये काल जो है, यही इन गुणों में क्षोभ उत्पन्न करता है। जैसे सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण ये प्रकृति के अवयव हैं, ये प्रकृति से अलग नहीं हो सकते, उसके हिस्से हैं। गुणों की साम्यावस्था का नाम प्रकृति है, ऐसे ही तो प्रकृति की परिभाषा है ना। तो जो साम्यावस्था है, तो एक तो साम्यावस्था हो गई, उसको तो प्रकृति बोलते हैं, और एक जो विषम अवस्था है उनके, जब उनमें क्षोभ उत्पन्न हो जाता है तो वो कार्य उन्मुख गुण हो जाते हैं। तो क्षोभ क्यों होता है? तो बोले काल, जब सृष्टि काल उत्पन्न हो आता है तब अपने आप क्षोभ हो जाता है। वेदांत जो है वो थोड़ा सा अंतर कर देता है। वेदांत कहता है सृष्टि काल अपने आप नहीं आता है, वो भगवान के संकल्प से ही आता है। उनकी इच्छा हुई कि सृष्टि हो, बस यही काल है, और इससे अलग कोई काल नहीं है। ये नहीं है कि जब समय आया तब भगवान के मन में इच्छा हुई, ऐसा अर्थ इसका वेदांत में नहीं है। वेदांत में जब उनकी इच्छा हुई तब वही सृष्टि काल है। तो क्षोभ के कारण ये होता है। ममांग माया गुणमयी अनेकधा विकल्प बुद्धिश्च गुणैर्विधत्ते वैकारिकस्त्रिविधो अध्यात्ममेक मथाधिदैव मधिभूत मन्यत। हे अंग, उद्धव जी के लिए कह रहे हैं, हे मेरे अपने ही अंग, मेरे साथी, मेरे सखा, मम माया गुणमयी, मेरी माया जो है ये गुणमयी है। गीता में भी है, दैवी है शा गुणमयी,
मम माया दुरत्यय। तो वहाँ तो कह दिया दुरत्यय, यहाँ अत्यय के लिए नहीं कह रहे हैं कि दुरत्यय है, यहाँ तो कहेंगे कि अज्ञान से ही ये दुरत्यय है, ज्ञान से तो ये अत्यय ही है। ये बेचारी कुछ करती नहीं किसी की, अज्ञान से जब हम उसको अपनी मान लेते हैं, क्या है वो पुरुष पुरातन की बदू, दूसरे की स्त्री को जब हम अपनी पत्नी बनाना चाहें तो लड़ाई झगड़ा तो होगा ही होगा। नारायण, तो ये भगवान की माया है, इसको जब हम अपना बनाना चाहते हैं यही झगड़े की जड़ है, बंधन का हेतु ये है, वरना माया किसी को कुछ नहीं कहती। और फिर जब झगड़ा होता है तो माया की चलेगी, तुम्हारी तो चलेगी नहीं, तो उस माया से छुटकारा पाने के लिए फिर माया के आश्रय भगवान को पकड़ना पड़ता है। तो मम माया गुणमयी, मेरी माया जो है ये गुणमयी, तो यहाँ प्रकृति की जगह माया शब्द कर दिया, ये इसका वेदांतीकरण हो गया। सांख्य में जो प्रकृति शब्द से बोला जाता है उसी को वेदांत में माया शब्द से बोला जाता है, माने चीज़ वही है, परिभाषा तो सबकी अलग अलग है। अनेकधा विकल्प बुद्धिश्च गुणैर विधत्ते, बोले वो अनेक प्रकार की विकल्प बुद्धि इस माया में होती है गुणों के क्षोभ से। जब संकल्प होता है परमात्मा का तो इस माया में, माया के गुणों में विकल्प बुद्धि हो जाती है, मैंने बहुत सारे विकल्प हो जाते हैं, ऐसा हो जाए, ऐसा हो जाए, ऐसा हो जाए, बस जैसा जैसा वो बुद्धि होती जाती है वैसे ही वैसे होती जाती है। तो दो प्रकार की सृष्टि है, एक तो ये सृष्टि है जो हमको सामने दिखती है स्थूल सृष्टि, उसी का हिस्सा हमारा ये अपना शरीर है, लेकिन सूक्ष्म शरीर तो कहीं नहीं दिखता है नारायण, उसका पता चलता है क्रिया से। तो इसी को कह रहे हैं कि ये वैकारिक सृष्टि जो है ये तीन प्रकार की है, एक अध्यात्म, एक अधिदैव और एक अधिभूत। ये शब्द तो सब सुने हुए हैं, कोई नए शब्द नहीं है। दृग्रूपमार्कं वपुरत्र रंध्रे परस्परं सिध्यति यः स्वतः खे, आत्मा यदेशमपरो य आद्या स्वयानुभूत्याखिल सिद्ध सिद्धि एवं त्वगादिश्रवणादि चक्षुर्जिह्वादि नासादि च चित्तयुक्तम्। तो दृष्टांत पहले आँख का देते हैं क्योंकि ये समझने में सबसे सरल है। तो ये आँख जो है, एक आँख तो है नेत्र इंद्रिय और एक आँख का है गोलक। अब मैं तो भैया मोटे मोटे बताऊंगा, डॉक्टर साहब तो आँख के बैठे हैं नारायण, तो आँख निकाल ली, पहले आँख निकाल लेते थे, आजकल भी निकाल लेते हैं, तो पूरा का पूरा ये जो कुछ भी इसका नाम देते होंगे पूरा का पूरा निकल जाता है। तो उसमें ऊपर से लेकर भीतर तक के सारे अवयव उसमें आते हैं ना, और आदमी बिल्कुल अंधा ही हो जाता है, फिर कुछ कर नहीं सकता। उसको छोड़ो, अब मोतिया हो गया या कोई और रोग हो गया, अब डॉक्टर देखता है, वो कहता है भाई साहब अब आपकी आँख देख नहीं सकती। बोले क्यों नहीं साहब? अब वो भीतर रोशनी नहीं है। ये रोशनी क्या चीज़ है भाई? कहीं से रोशनी आ रही है क्या?
तो वो तो ठसा ठस नारायण आत्मा भरा हुआ है। वो आत्मा ही जब एक मशीन के भीतर हो करके प्रकट होता है तो उसी को नेत्र इंद्रिय शक्ति बोलते हैं, वही इंद्रिय शक्ति है। अब मशीन में खराबी हो जाए तब भी खराबी है, आत्मा में तो कोई खराबी कभी होगी नहीं। तो ये नेत्र इंद्रिय जो है ये तो है अध्यात्म, माने शरीर के भीतर जो है ये एक देखने की शक्ति है, शक्ति रूपा है। और क्या देखती है आँख के रूप को देखती है, तो रूप जो है ये अधिभूत है। आँख अध्यात्म है और इससे रूप दिखता है, तो ये रूप जो है अधिभूत है। और अधिदैव क्या है इसमें समझने में ज़रा दिक्कत आती है। एक तो यही हो गया कि भीतर रोशनी नहीं है, वो रोशनी क्या चीज़ है। तो आत्मा का इसको पारिभाषिक शब्दों में तो ऐसे बोलते हैं कि आत्मा का आभास जो इसमें पड़ रहा है आँख के पार्ट में, उसको अधिदैव बोलते हैं। और समझाने के लिए ऐसे कहते हैं कि ये सूर्य का प्रकाश यदि ना होता तो संसार में कुछ भी दिखाई नहीं पड़ता। तो इसलिए इस प्रकाश का एक अक्ष जो है, आभास जो है, वो हमारी आँख के भीतर भी रहता है, वही अधिदैव कहलाता है। आँख में भी रहता है, कान में भी रहता है, सब में रहता है। तो वहाँ सूर्य माने केवल प्रकाश वाला से मतलब नहीं है, सूर्य मंडल उसमें सारी शक्तियाँ हैं, जितनी भी पांचों इंद्रियों की शक्ति हैं। एक दफ़े मैं कनखल गया था, पुरानी बात है, तो एक ऑस्ट्रेलियन सज्जन थे तो उनसे भेंट हो गई। तो अंग्रेज़ी बोल रहे थे तो बातचीत शुरू हो गई। तो उन्होंने बताया कि मैं इस बात के ऊपर रिसर्च कर रहा हूँ कि ये सूर्य ही सारे ब्रह्मांड की शक्ति का स्रोत है। तो मन गया इस पर रिसर्च की क्या बात है, ये तो हमारे शास्त्रों में लिखी हुई बात है। कि नहीं नहीं सूर्य का मतलब जो है, ये सूर्य जो दिखता है इतना ही नहीं होता है, इस सूर्य में सारी शक्तियाँ हैं, सारी शक्ति, केवल प्रकाश को इस सूर्य मत मानिए, सारी शक्तियाँ इसके भीतर हैं। तो मन के कहाँ तक पहुँच गए हो, तो बोले वो तो थैले में से उन्होंने फाइल निकाली। तो मन के खैर रास्ते में इसको देखने का तो मौका है नहीं, वो तो आप बता दो। कि नहीं मैं अभी तो मैं चल ही रहा हूँ, अभी कहीं पहुँचा नहीं। अच्छा ठीक। तो उस समय मेरा दिमाग ये बात होगी करीब सन 64-65 में, तो उस समय दिमाग में ये थी कि ओहो सूर्य, ये सूर्य ही सारी शक्तियों का स्रोत है, तो कहीं ये प्रत्यक्ष भगवान ही तो नहीं है। जिसको ईश्वर कहते हैं उस ईश्वर का प्रत्यक्ष रूप कहाँ देखा है। कोई मंदिर में अपने ढंग के ठाकुर जी बना लेता है, कोई मस्जिद में बना लेता है, कोई अपना चर्च में बना लेता है, कोई निराकार है, कोई साकार है, नारायण। लेकिन इस मंडल में किसी का कोई आरोप नहीं है, खुली आँख से देखो यही सारी शक्तियों का स्रोत। अब दर्शन शास्त्र में भी आप देखो प्रकृति है, प्रकृति के बाद फिर महतत्व, महतत्व का मतलब अपने वेदांत की दृष्टि से हिरण्यगर्भ। अब हिरण्यगर्भ क्या चीज़ है नारायण, ये बुद्धि, आदि बुद्धि का नाम हिरण्यगर्भ है ना, जो प्रारंभिक बुद्धि है, जो इस समय भी सबकी बुद्धि में विराजमान है। एक भिन्का की में जो बुद्धि है वो भी हिरण्यगर्भ की बुद्धि है, और एक देवता की जो बुद्धि है वो भी हिरण्यगर्भ की बुद्धि है,
और हमारे आपके भी में जो बुद्धि है वो भी हिरण्यगर्भ की बुद्धि है, उसकी एक एक बूंद से सब बुद्धिमान बने हुए नारायण। तो उन बुद्धि उन सब बुद्धियों का जो पुंज है उसको हिरण्यगर्भ बोलते हैं। वो कहाँ से आ गया? तो वो सत्वगुण की तन्मात्रा का, शुद्ध सत्वगुण की तन्मात्रा, तन्मात्रा तो अभी प्रगति नहीं हुई, मैंने सत्वगुण का क्षोभ से हिरण्यगर्भ की होती है। तो अपने यहाँ शास्त्रों में हिरण्यगर्भ ही उपास्य है, ईश्वर जिसको उपास्य बताते हैं असल में वो हिरण्यगर्भ की उपासना है। ईशावास्य उपनिषद में जो उपास्य है वो हिरण्यगर्भ है। वैसे ईश्वर शब्द दे रखा है लेकिन आगे चल के है ना, हिरण्मयेन पात्रेण, क्या है, हिरण्मयेन पात्रेण, हिरण्मय पात्र से ये बुद्धि जो है ढकी हुई है। आप कृपा करके इस ढक्कन को हटा दीजिए। पूषण्य कर्ष यम सूर्य प्राजापत्य व्यूह रश्मीन समूह यत्ते कल्याणतमं तत्ते पश्यामि योसावसौ पुरुषः सोहमस्मि। जो इस सूर्यमंडल में है वही मैं हूँ नारायण। तो सूर्यमंडल में सूर्य देवता है या परमात्मा है, किसके साथ एकता ईशावास्य उपनिषद बताता। तो आर्य समाजी लोग जो हैं इनकी व्याख्या भी मैंने पढ़ी, अरविंद घोष की भी व्याख्या पढ़ी, इन्होंने तो सूर्य उपासना में ही इसका पर्यवसान किया। अपने हिसाब से तो ईशावास समिदम यहाँ से तो प्रारंभ ही होता है और हिरण्मय न पात्र न अपितम अपितम मुखम, ये जो बाद के 16, 15, 16, 17, 18 तीन श्लोक हैं। तो ये प्रकट प्रकट ईश्वर है नारायण, इसमें किसी भी नाम रूप की आप कल्पना कर लो वही आपको साक्षात अनुभव में आ जाएगा। अच्छा, ये जैसे भगवान की आकृति बनाते हैं तो उनके चारों ओर प्रकाश क्यों दिखा देते हैं? बोले प्रकाश मालूम पड़ता है इसलिए दिखा देते हैं। वो प्रकाश का मतलब ही यह है कि वो सूर्य मंडल में उसकी स्थापना करके उसका अनुभव होता है। मूल तो गायत्री मंत्र है ना वेद की, गायत्री मंत्र क्या है नारायण? वो तो सूर्योपासना ही है। तो सूर्योपासना में जो सब देवताओं का भाग है उसकी हम उपासना करते हैं, माने सब देवताओं का ऐश्वर्य जहाँ से निकलता है। तो उसको ईश्वर बोल दो नारायण। तो ये अधिभूत हुआ रूप, अध्यात्म हुई आँख, और उस ईश्वर का अंश जो इस आँख में बैठ करके इसको अपने काम में लगा रहा है नारायण, वो हुआ अधिदैव। परस्परम सिद्ध्यति यह, ये तीनों जो है अधिभूत अधिदैव अध्यात्म, ये तीनों एक दूसरे से ही सिद्ध होते हैं। रूप ना हो, पहले तो ये देखो, आँख ना हो तो रूप कहाँ है, और अगर आँख में रोशनी ना हो तो आँख कहाँ है, और आँख में रोशनी ना हो, आँख ना हो तो रूप कहाँ है, और संसार में रूप ही ना हो तो आँख की ज़रूरत ही क्या है। ऐसे भी प्राणी हैं जिनके आँख ही नहीं होती है,
चक्षुश्रवा बोलते हैं सांप को, उसकी आँख नहीं होती, कान नहीं होते, आँख से माने एक इंद्रिय भी जानवर होते हैं और पांच इंद्रियां ये तो मनुष्य में ही हैं। छठी इंद्रिय की सिर्फ शिवजी महाराज के बारे में ही सुनते हैं, और किसी देवता में छठी इंद्रिय नहीं है। इंद्र के जरूर कितनी थी 1000, सो वो तो अपराध के कारण उसे शाप था, और वो भगवान राम का विवाह देख करके वो सब आँख बन गई, लेकिन वो उतने ही देर के लिए आँख बन गई फिर गायब हो गई। आँख तो इंद्र की भी दो ही है ना, तो परस्परम से ध्यान थी। तो अब ये इसके द्वारा ये बताएंगे कि ये सूक्ष्म शरीर में प्रवेश करने का द्वार है, इसके बाद में फिर आत्मा का नंबर आता है। अच्छा, आपको शरीर अनुभव होता है कि ज्ञान में शरीर अनुभव होता है? शरीर का ज्ञान ना हो तो शरीर का अनुभव होगा? तो ये वैकारिक सृष्टि जो बताई गई है, शरीर को भी वैकारिक ही मानते हैं, है ये तामस वैसे, लेकिन वैकारिक इस अर्थ में है कि इसका ज्ञान भी चैतन्य में स्फुरित होता है, तभी इसकी सत्ता मालूम पड़ती है। ऐसे ही जितने भी स्थूल के सूक्ष्म के जितने भी हैं, सब जब तक ज्ञान के साथ एक नहीं होते हैं तब तक कुछ मालूम नहीं पड़ता। तो सत्वगुण की व्याप्ति रजोगुण तमोगुण सब में रहती है, लेकिन उल्टी बात नहीं है कि रजोगुण तमोगुण की व्याप्ति सत्वगुण में रहती है, ऐसा नहीं है। सत्वगुण सबसे सूक्ष्म है और रजोगुण तमोगुण सबसे स्थूल है। तो स्थूल पार्ट तो दिखता है इसमें, ये तमोगुण हड्डी है, ये मांस है, ये फलाना है, लेकिन सूक्ष्म पार्ट इसका नहीं दिखता है। तो सूक्ष्म पार्ट कहाँ दिखता है? अपने मन में। मुर्दे में और जिंदे में क्या फर्क है? जिंदे को तो मालूम पड़ रहा है ये शरीर है, और मुर्दे में तो कोई चेतना ही नहीं, ज्ञान ही नहीं। तो सारी सृष्टि ज्ञानात्मक है, इस बात को वेदांत के अलावा दूसरे लोग समझा नहीं पाते। हरि ओम। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।